आप सबको नमस्कार जी, मैं हूं विक्रांत गुप्ता और आपने मुझे जरूर देखा होगा आज तक पर और YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब हैं जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तीव्र गति से बढ़ रही है। संक्रमित मरीजों के साथ साथ मौतों का भी रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 17,282 नए मरीजों की पुष्टि हुई और 108,534 सैंपल की जांच में 15.92 पॉजिटिव रेट दर्ज हुआ है। वायरस की वजह से 104 मरीजों की मौत हो गई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से हालत बेकाबू होते जा रहे हैं, साथ ही मरीजों की मौत के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को बीते 24 घंटे में 1,953 नए संक्रमित मिले, वहीं 13 मरीजों की मौत हुई। साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 10,000 पार हो गई है, जबकि 483 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को देहरादून जिले में सबसे अधिक 796 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं हरिद्वार में 525, नैनीताल में 205, उद्धम सिंह नगर में 118, पौड़ी में 79, टिहरी में 78, रुद्रप्रयाग में 6, पिथौरागढ़ में 4, उत्तरकाशी में 8, अल्मोड़ा में 92, चमोली में 8, बागेश्वर में 6 और चंपावत में 28 संक्रमित मिले हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या 58 पहुँच गई है। हरिद्वार में चल रहा कुंभ मेला 2 हफ्ते पहले ही खत्म हो सकता है। उत्तराखंड सरकार और धार्मिक नेताओं के बीच चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। हरिद्वार में डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसने देश भर में कोरोना के मामले बढ़ाने को लेकर चिंता बढ़ा दी है। वहीं हरिद्वार में बीते 48 घंटे के दौरान 1,000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार आखिरी दिन खासा रोचक होने जा रहा है। सीएम तीरथ सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से समर्थन और वोट मांगते नजर आएंगे। यह चुनाव दोनों रावतों की प्रतिष्ठा से जुड़ चुका है। जहां सीएम पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ एक जनसभा में शामिल होंगे, वहीं हरीश रावत 3 अलग जगहों जनसभाएं करने जा रहे हैं। बुधवार को सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, वहीं 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा यूपी बोर्ड की तारीखों पर जल्द फैसला लिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में 10 से 15 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। यूपी बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है जिसमें 55 से 56 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। तो ये थी आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब हैं जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए।